आपका दोस्त आप साफ करते हैं। देखिए, लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो बात अब तक सामने आई है उसमें मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है। मंत्री का एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें वो खुलेआम दो मिनट में सबको ठीक करने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तो कैसे किसी मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है जो उसके खिलाफ है, उसके बेटे के खिलाफ है या उसके लोगों के खिलाफ है? तो मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। यह कोई दादागिरी का शासन नहीं है। 10 महीने से किसान सड़कों पर है। ये तीनों काला कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर 700 से ज्यादा किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। और एक मंत्री जो खुलेआम धमकी देता है, उसके बाद उसका बेटा गाड़ी से रौंद कर किसानों को मार देता है, आप मुझे बताइए इस मामले की जांच कैसे संभव है? अगर वो मंत्री बने रहेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। यहां किसान अपनी बात नहीं कह सकता, नौजवान अपनी बात नहीं कह सकता, माताएं बहनें अपनी बात, कोई सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की हत्या हो जा रही है गोरखपुर के अंदर। और मैं रात में 2:30 बजे लखीमपुर किसान जो मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलने जा रहा था। मुझे यहां गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों, क्या अपराध है मेरा? कोई बताने को तैयार नहीं। SDM से पूछा, तहसीलदार से पूछा, पुलिस वालों से पूछा, भाई किस अपराध में आपने अरेस्ट कर रखा है, किस अपराध में आपने रोका है? कोई बताने। क्या उत्तर प्रदेश में मृतकों के परिजनों के पास जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना भी अपराध हो गया है? तो इसलिए हमारी डिमांड है कि इसमें कोर्ट की SIT बना के इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और मंत्री को बर्खास्त किया जाए। वो 302 के मामले के आरोपी हैं और इससे पहले इसमें किसी प्रकार से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। सर, आपको बिस्मिल में रोका गया, क्या आगे करेंगे? मैं यहाँ पर हूँ, अपने साथियों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन जहाँ तक ये पता चल रहा है कि जो उसके ड्राइवर की भी निर्मम हत्या कर दी गई, जिस गाड़ी से, मैं कह रहा हूँ ये घटना जन्म कैसे होती है? क्या किसानों ने सीधे जाके ड्राइवर की हत्या कर दी? कैसे ये घटना पैदा कैसे हुई और ये पूरे मामले का पता कैसे चलेगा? जब कोई एक निष्पक्ष जांच होगी तभी तो पता चलेगा। सर, किसान कुचले गए, मारे गए,